हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास आगे करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, टोकन्स पढ़ रहे थे। टोकन्स में हम लोग आइडेंटिफायर देख रहे थे, आइडेंटिफायर के नियम देख लिए थे। अब देखेंगे कॉन्स्टेंट। देखो कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो वे संख्याएं शब्द या चिन्ह जिनका मान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय परिवर्तित ना हो। ठीक है, वे संख्याएं शब्द या चिन्ह जिनका मान एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज ना हो वो कहलाता है कॉन्स्टेंट। या सीधा सीधा उसको सीधा शब्दों में बोल सकते हो, जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो जो वेरिएबल को भी मान देती है उसको बीच में चेंज नहीं कर सकते, ये क्या कहता है आपको कॉन्स्टेंट। अब देखो कॉन्स्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के कॉन्स्टेंट होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट जिनको हम नंबर से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्स्टेंट हमको क्या कहलाता है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट कहलाता है। अब न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट जो है वो दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक होता है आपका इंटीजर और एक होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, दो प्रकार के होंगे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। अब देखो इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो डेसिमल, देखो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट दो प्रकार का, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में दो टाइप्स होता है, इंटीजर होता है फ्लोटिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल, तो इंटीजर कितने प्रकार के, तीन प्रकार का, एक होता है डेसिमल, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन और एक होता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, दो प्रकार के क्या होगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट। अब देखो इंटीजर क्या है, सीधा सीधा आप पढ़े हो बट आपको समझना नहीं कि इंटीजर क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसका संपूर्ण अर्थ निकले, पूरा कंप्लीट मीनिंग निकले, वो कहलाता है इंटीजर। जैसे देखो मैं 5 लिख दिया, इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है 5 है। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया 5.5, इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, 5.5 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, तो 5 का पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार की संख्या का कहलाता है इंटीजर। तो इंटीजर वही संख्या है जिसका संपूर्ण अर्थ निकले, उस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। और इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसमें 0 से 9 तक के अंक को और कुछ विशेष चिन्ह हो, और विशेष चिन्ह कैसा हो, प्लस हो, माइनस हो, स्ट्रिक हो, इस प्रकार की विशेष चिन्ह वाली संख्या का कहलाएंगे डेसिमल। ठीक है, एक बार और सुन लो, डेसिमल मतलब 0 से 9 तक के अंक रहेंगे और साथ में कुछ विशेष चिन्ह रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दी जाएगी, एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है। जैसे लिख दिया हमने +9, ठीक है, -9 या -9, तो ये सारे संख्या क्या है आपका डेसिमल, क्योंकि डेसिमल संख्या में कहां से कहां तक रहेगा, तो 0 से लेकर 9 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्टल में रहेगा आपका, ऑक्टल में 8 संख्या, तो 8 इज 0 से कहां तक 7। ठीक है, ऑक्टल संख्या तक रहेगा 0 से 7 तक। लेकिन याद रखना, ऑक्टल संख्या को हमेशा कहां से शुरू किया जाता है, 0 से। मतलब किसी संख्या के सामने में अगर 0 लगे तो वो संख्या कहलाता है आपका ऑक्टल। तो जैसे मैं लिख दिया 0, 7, 6, ये नंबर कौन सा आपका ऑक्टल नंबर है। ठीक है, 7, 6 अगर मैं लिखता हूँ तो ये डेसिमल हो जाएगा, लेकिन सामने में क्या लग गया, 0 लग गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्टल। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो ऐसी संख्या है जिसमें 0 to 9 के साथ 8F। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9 और 8 कहाँ रहेगा, 8 रहेगा, ये आपका डिजिट हो गया और ट्रांसफॉर्म। इस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल, और इसको डिनोटेट करते हैं x। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या के सामने में आपको क्या रखेगा, तो ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल, मतलब ये इंटीजर।
दीज आर द तीन टाइप्स. अब देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स. तो फ्लोटिंग पॉइंट्स होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए, तो ऐसी संख्या जिसका पूर्ण अर्थ ना निकले, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण अर्थ ना निकले तो वो क्या कहलाता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स. सीधा एग्जांपल दे लो, फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब दशमलव की बाद वाली संख्या. अब दशमलव की बाद वाली संख्या, जैसे आप अपने एज बताते हो, जैसे किसी का एज जो है वो 50.5 है, वो ये नहीं बताएगा कि उसका एज कितना है 50.5, वो क्या बताएगा, या तो 51 बताएगा या क्या बताता है 50. तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, दो, फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के. तो ऐसी संख्या जिसको दशमलव के बाद लिखा जाए वो फ्रैक्शन कहलाएगा, जैसे 5.5, तो ये दशमलव के बाद लिखा गया तो ये संख्या क्या होगा आपका, फ्रैक्शन. ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको दशमलव के बाद लिखा जाता है वो संख्या क्या है आपका, फ्रैक्शन है. दूसरा होता है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मतलब आपका पावर वाला संख्या. ऐसी संख्या जिसको पावर में लिखा जाता है, जैसे 10^2, 10^3, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाता है आपका, एक्सपोनेंट कहलाता है. ठीक है, आगे समझ में. फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऐसी संख्या जिसका पूर्ण अर्थ न निकले वे संख्याएं क्या कहलाता है, फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है. फ्लोटिंग पॉइंट कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट. फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिसको हम दशमलव के बाद बाद लिखे वो संख्या क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा. और एक्सपोनेंट मतलब हम जिसको पावर में लिखे, जैसे ये 10^2, 10^3, तो ये संख्या क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंट. ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में. अब देखेंगे हम नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक आगे समझ में. न्यूमेरिक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, इंटीजर तीन प्रकार के, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट दो प्रकार के, फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट. ठीक है, अब देखते हैं नॉन न्यूमेरिक. तो नॉन न्यूमेरिक अभी देखिए न्यूमेरिक का डेफिनेशन क्या बताया हूँ आप लोगों को, तो जिसको नंबर से दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका, न्यूमेरिक कहलाता है. तो नॉन न्यूमेरिक क्या हो जाएगा, जिसको नंबर से ना दर्शा के अल्फाबेट से दर्शाया जाए, या जिसको नंबर से ना दर्शा के कैरेक्टर से दर्शाया जाए, उस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे हम, नॉन न्यूमेरिक बोलते हैं. तो नॉन न्यूमेरिक कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के. कौन कौन सा होता है आपका नॉन न्यूमेरिक, यहाँ पे देखना, दो प्रकार कौन कौन से नॉन न्यूमेरिक का. एक होता है आपका कैरेक्टर और एक होता है स्ट्रिंग. ठीक है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग नॉन न्यूमेरिक. तो कैरेक्टर पढ़े हो, कैरेक्टर में A to Z. अब कैरेक्टर मतलब एक होता है ना, पूरा A to Z को नहीं लिखोगे, जैसे आप लिखते हो A, तो ये क्या हो गया कैरेक्टर. और कैरेक्टर को हम सिंगल कोट से दर्शाते हैं. ठीक है, सिंगल कोट का साइन क्या है, तो ये साइन है सिंगल, मतलब बीच में कैरेक्टर को लिखते हो, किनारे किनारे में ये वाला साइन आप लगा दो, तो ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टर. ठीक है, तो A से Z तक ये सभी कैरेक्टर है, लेकिन जब वो सिंगल रहेगा तब कैरेक्टर है, मतलब उसमें मीनिंग ना निकले. जैसे A एक कैरेक्टर है, B एक कैरेक्टर है, C एक कैरेक्टर है, D एक कैरेक्टर है, उसी प्रकार Y एक कैरेक्टर है, Z एक क्या है, कैरेक्टर. ठीक है, अगला देखते हैं स्ट्रिंग. तो कैरेक्टर को समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, मतलब कैरेक्टर जब आपस में मिल जाता है तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा. जैसे आपका नाम, किसी का नाम है राकेश, तो राकेश कितने कैरेक्टर से बना है, तो जितना कैरेक्टर है सब आपस में क्या हो गया, मिल गया, कंटिन्यू लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रिंग कहलाएगा. जैसे आप एग्जाम्पल दे दो राम, तो राम तीन कैरेक्टर RAM, तो तीन कैरेक्टर से मिलकर बना, इसलिए क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग. लेकिन हम स्ट्रिंग को डबल कोट से दर्शाते हैं, डबल कोटेशन से स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है, डिनोट किया जाता है. ठीक है, सिंगल कोटेशन से किसको करते हैं, कैरेक्टर को, और डबल कोटेशन से किसको करेंगे हम, स्ट्रिंग को. ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो वे नंबर संख्या चिन्ह जिसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं कर सकते. कहने का मतलब ये है कि ये फिक्स रहेगा. क्या कहलाता है कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट कितने टाइप के, तो दो, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक. ठीक है, उसके बाद सारे टाइप्स को क्या करते हैं आपको देखना है. तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो 6 नंबर में आपको क्या करना है पूरा लिख. ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टेंट का क्लास क्लियर हो गया. अब अगला क्लास नेक्स्ट वीक में.